नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। पंजाब विधानसभा मतदान 2017 के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की तरफ से मीटिंगों का दौर लगातार जारी है। इसी लड़ी के अंतर्गत आज लुधियाना के सुंदर नगर एक निजी पैलेस में आप नेता अजय नैयर टंकी की अध्यक्षता में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आप पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके संजय सिंह की तरफ से जहां सभी राजनीतिक पार्टियां पर तीखा हमला किया गया, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। वहीं भगवत मान के मुद्दे पर उन्होंने कहा, मान ने वीडियो बनाकर गलती नहीं की, साथ ही जो शराब पीकर आने का आरोप लगाया वो राजनीति से प्रेरित है, उसकी जांच हो। अगर शराब पीकर कोई आता है उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आइए सुनते हैं। याला में दो रैली हुई, इसके अलावा पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी का कोई कार्यक्रम रुकेगा नहीं। परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम, नशाखोरी के खिलाफ कार्यक्रम, ट्रेडर्स की जो समस्या है उसको लेके कार्यक्रम, किसानों के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर प्रोग्राम, तो हर जगह आम आदमी पार्टी अलग अलग सेक्शंस के साथ इंटरेक्शन कर रही है, रैलियां कर रही है, सभाएं कर रही है, डोर टू डोर कर रही है, जनता से हम सीधे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो कुल मिला के ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बौखलाहट है। ये दोनों भाई मिलके हमारे सांसद के ऊपर NSA का कानून लगाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कानून लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भगवंत मान के साथ। सिद्धू के बारे में क्या कहने के? सिद्धू जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, थोड़ा समय इंतजार कीजिए, सब कुछ। अब पंजाब की जनता कितना विश्वास करती है केजरीवाल पर, यह 2017 के चुनाव नतीजों से पता चलेगा। यह थी लुधियाना से कैमरामैन जसवीर जस्सी के साथ संजय सैनी की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।